इस वक्त हम खड़े हैं डावोस की मेन स्ट्रीट मेन मार्केट में, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रंग जो है पूरी तरह से इस मेन मार्केट पर भी छा चुका है। आपको बताते हैं कैसे, क्योंकि यहां पर जब भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन होता है तो जो साइड की सड़क आप इधर इस तरफ देख रहे हैं, साइड स्ट्रीट, उसकी शॉप्स कन्वर्ट हो जाती हैं अलग अलग कंपनीज के लाउंजेस में। मेरे पीछे जो आप लाउंज देख रहे हैं वो इन्फोसिस का है, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से अंदर इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। साथ ही उस तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पवेलियन बनाया गया है डावोस का, सैप कंपनी, कॉग्निजन, मास्टर कार्ड, जॉनसन एंड जॉनसन, माइक्रॉन, ये तमाम वो कंपनीज हैं जिन्होंने यहां पर अपना सेटअप किया है, अपना लाउंज बनाया है। मेरे इस तरफ भी एक लाउंज है जो काफी कलरफुल दिखाई दे रहा है, ये दरअसल गूगल स्पेस है और यहां पर एक बड़ी सी क्लॉक आप देख सकते हैं जिसमें इस वक्त टाइम तो सही नहीं आ रहा है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग सा लाउंज है, बेहद कलरफुल, और यहां पर अगर एक्सेस आपको मिलता है तो आप अपना सामान, एक बढ़िया कप ऑफ कॉफी, सूप, कुछ भी यहां पर ले सकते हैं। लेकिन चलिए चल के आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इंफोसिस ने अपना लाउंज कैसे सेटअप किया है। आंध्र प्रदेश के भी लाउंज में आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे उनकी तैयारियां कैसी हैं, साथ ही बात इन्वेस्ट इंडिया की भी करेंगे, वहां का भी लाउंज लगभग तैयार हो चुका है, उसकी भी तैयारियां क्या है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो हम पहुंच गए हैं इस वक्त इंफोसिस के लाउंज में, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर अभी भी तैयारियां चली रही हैं, चेयर सेटअप हो चुकी हैं, एलईडी लगा दिया गया है, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं क्योंकि सभी को इंतजार है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और यहां पर कई सारे लोग जिनको एक्सेस रहता है इन लाउंजेस में, वो यहां आकर कुछ देर जो वहां पर कॉन्फ्रेंस चल रही होती है उसकी लाइव स्क्रीनिंग देख सकते हैं। यहां पर उसी के लिए एलईडीज लगाए गए हैं। ये महज एक लाउंज हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही कई और लाउंजेस इस स्ट्रीट पर तैयार हैं या फिर उनकी तैयारियां चल रही हैं। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं फेसबुक का लाउंज जो लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए, और यहां पर तैयारियां कर ली गई हैं। मेरे पीछे आप ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, कई सारे लोग इस लाउंज का इस्तेमाल करेंगे इंटरव्यूज करने के लिए। उसके ठीक पीछे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं। कई इंच मोटी बर्फ की परत जम चुकी है इन पर, लेकिन फेसबुक जैसा कि घर घर में अब सोशल मीडिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बच्चे बूढ़े जवान सभी भारत में ही नहीं दुनिया भर में फेसबुक को एक सोशल मीडिया के बहुत ही पॉपुलर माध्यम के तौर पर देखते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर सब कुछ बनकर तैयार, ये लाउंज पूरी तरह से तैयार, और अब इंतजार है इस लाउंज में एक्सेस का, एंट्री का, दुनिया भर से जो जर्नलिस्ट आए हैं ताकि वो इंटरव्यूज कर सकें, और जो अंदर सेशंस चल रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वो भी यहां इस लाउंज में देखे जा सकते हैं। मेरे ठीक पीछे आप ये जो होटल देख रहे हैं, दरअसल ये बेल्वेडेयर होटल है। यहां पर पिछली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रुके थे और ये यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव होटल माना जाता है। यहाँ पर दुनिया भर के कई एमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स आकर रुकेंगे जब तक ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है।